अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं असद ब्रोई और असद ब्रोई व्लॉग्स में खुश आमदीद। व्यूअर्स, मेरे हाथ में है साइबर एंड हस्की का पेयर और आज मैं बताऊंगा आपको कि साइबर एंड हस्की और अलास्कन मालामूट में क्या फ़र्क होता है। ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि जी साइबर एंड हस्की और अलास्कन मालामूट तो सेम होते हैं। देखें, अलास्कन मालामूट और साइबर एंड हस्की में फ़र्क ये होता है कि साइबर एंड हस्की कॉम्पैक्ट साइज़ के होते हैं और अलास्कन मालामूट बड़े साइज़ के होते हैं और उनका जो है फर वगैरह ज़्यादा बड़ा होता है और नेचर में भी इनके काफ़ी फ़र्क होता है। जैसे अलास्कन ये साइबर एंड हस्की हम नॉर्मली बच्चों में फैमिली में हर जगह पर रख सकते हैं। इसकी इनकी जो है ना कि बनस्बत अलास्कन मालामूट थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होता है और इनसे थोड़ा सुस्त तबीयत का होता है। जैसे ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं, फास्ट होते हैं, तो उसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा इनसे सुस्त तबीयत का होता है क्योंकि उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है। और इनके हिसाब से जितनी मतलब जो जिस टेम्परेचर में ये सर्वाइव करते हैं उस टेम्परेचर में भी उसको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होती है। वैसे तो ये दोनों ही ठंडे इलाकों के हैं। अलास्कन मालामूट का जो ताल्लुक है वो यूनाइटेड स्टेट्स से और साइबर एंड हस्की का रशिया से है और दोनों ही ठंडे इलाके हैं, तो इन दोनों को ठंडा वेदर चाहिए होता है। और जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे यहाँ के वेदर में जो पपी पैदा होते हैं जिनकी ब्रीड यहाँ पर होती है तो यहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं, फिर भी गर्मी में थोड़ी सी इनको हेल्प चाहिए होती है। फ़ैन हो उनके पास या तो फिर जो है कि एयर कूलर लगा ले, जितना आप इनको फैसिलिट कर सकते हैं तो करें। बाकी जैसे हम सोचते हैं कि जी घर में हम सेम ही हैं तो वो बड़े साइज़ का है तो वो रखें, तो थोड़ा सा उनके जो एग्रेशन के एग्रेसिव होने के पॉइंट्स हम उनको ज़्यादा देंगे, थोड़े एग्रेसिव होते हैं, तो बेहतर है कि बच्चों में हम साइबर एंड हस्की रखें क्योंकि इनका कॉम्पैक्ट साइज़ भी होता है, घर में भी हम सुकून से रख सकते हैं और साथ साथ जो है ये बच्चों के साथ भी ज़्यादा जो है ना कि फ्रेंडली रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं। बनस्बत उनके वो थोड़े सीरियस डॉग होते हैं और बड़े साइज़ होने की वजह से इनकी तरह ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, ज़्यादा जो है ना कि भाग दौड़ नहीं करते, एनर्जेटिक तो काफ़ी होते हैं लेकिन थोड़ा सा सुस्त तबीयत के होते हैं। जो अलास्कन मालामूट है उसका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से और ये साइबर एंड हस्की का ताल्लुक रशिया से है और वहाँ पर जो है चौकी के लोगों ने इसको स्लेजिंग के लिए तैयार किया क्योंकि ये बर्फ़ पर भी काफ़ी स्पीड से दौड़ सकते हैं और अलास्कन मालामूट को वहाँ पर जो है अपना बर्फानी रिछ के शिकार के लिए और स्लेजिंग के लिए उसको भी तैयार किया। और बर्फ़ पर साइबर एंड हस्की के बनस्बत अलास्कन मालामूट स्लो दौड़ता है लेकिन वो इससे ज़्यादा वज़न कैरी कर सकता है उनका जो साइज़ वगैरह बड़ा होने की वजह से, और साइबर एंड हस्की उसके बनस्बत तेज़ दौड़ता है लेकिन वज़न थोड़ा कम जो है कि कैरी करता है। अगर हम इनकी हाइट की बात करें तो अलास्कन मालामूट के मेल की हाइट होती है 24 से 26 इंच और फीमेल की हाइट होती है 22 से 24 इंच, और अगर हम साइबर एंड हस्की की बात करें तो 21 इंच से 23 इंच मेल की हाइट होती है और फीमेल की हाइट होती है 18 से 20 इंच। इनके अगर हम वेट की बात करें तो अलास्कन मालामूट के मेल का वेट है 36 से 43 किलोग्राम और फीमेल का वेट है 32 से 38 किलोग्राम, और अगर हम साइबर एंड हस्की के वेट की बात करें तो जो मेल का वेट है 20 से 27 केजी है और जो फीमेल का वेट है वो 18 से 20 केजी है। और फ्रेंड्स, अगर हम इनको कराची के वेदर के हिसाब से देखेंगे, कराची में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, पाकिस्तान में रख सकते हैं या नहीं रख सकते, तो फ्रेंड्स हम साइबर एंड हस्की को बिल्कुल कराची में रख सकते हैं। नॉर्मल जो यहाँ के वेदर है, जो हमारे पास जनवरी फरवरी का वेदर होता है दिसंबर का, तो उसमें हम नॉर्मली इनको रख सकते हैं। उसके बाद जब हम जून जुलाई या गर्मी के मौसम में चले जाएँ तो वहाँ पर इनको थोड़ी सी इनकी केयर होती है, उसमें हम इनके ऊपर फैंस जो है ना कि लगाएं या हम एयर कूलर जितना इनको फैसिलिट कर सकते हैं तो बेहतर रहेगा। ज़्यादातर जैसे मैं अगर अपने पास रखता हूँ कराची में तो मैं इनके ऊपर फ़ैन लगा कर रखता हूँ, अगर मुझे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है इनको तो मैं इनको जो है कि इनके जो हेयर है ये ट्रिम करवा देता हूँ, तो एक ये तरीका है। दूसरा, अगर हम कराची के वेदर में कोई इम्पोर्ट करवा के रशिया से या बाहर से कहीं से भी ठंडे इलाके से इम्पोर्ट करवा के यहाँ पर गर्मी में फ़ौरन गर्मियों में इम्पोर्ट करवा लें तो वो बिल्कुल प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जो यहाँ का क्लाइमेटाइज है, जो यहाँ की लोकल ब्रीड है, वही सर्वाइव कर पाएगी। बाकी अगर हम बाहर से मंगा के रखते हैं कि जिन्हें असद ब्रोई ने वीडियो में बताया था कि जी यहाँ पर बिल्कुल डॉग सर्वाइव करते हैं, तो बिल्कुल इंपोर्टेड डॉग को यहाँ पर सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी। अगर आप कोई भी डॉग इंपोर्ट करवाते हैं तो सबसे पहले तो आप उसके लिए जो है उसको जब अगर घर पर लेकर आते हैं तो पहले आप डाइट का ख्याल रखें क्योंकि हमारी डाइट में और वहाँ की डाइट में फ़र्क है। हम यहाँ पर नॉर्मली अपने जो है घर के खाने देते हैं और यहाँ के डॉग उस पर सेट होते हैं लेकिन वो बाहर क्या खाता है हमें नहीं है पता, तो यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आप उसको डॉग फूड पर रखें, डॉग फूड दें, और जो हम पानी नॉर्मल पीते हैं डॉग को देते हैं वो जो है ना कि अगर हम लाइन का पानी पी रहे हैं या कोई दूसरा, तो वो आप उसको नहीं दे सकते, आप उसको मिनरल वाटर ही देंगे जब तक वो यहाँ पर एडजस्ट होता है, यहाँ के वेदर में एडजस्ट होता है। और उसके बाद अगर उसको आपको महसूस होता है कि जी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है
तो उसको भी आपने ट्रिम करवाना है। लेकिन ज़्यादातर कोशिश करें कि यहाँ की लोकल ब्रीड लें, बाहर से मंगवाने से थोड़ा सा एहतियात करें। सेम चीज़ होती है, क्वालिटी भी सेम होती है, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ एक नाम बाहर का होता है कि जी इम्पोर्टेड है। तो यहाँ की लोकल ब्रीड लें तो आप ज़्यादा जो है ना कि उसको ईजिली रख सकेंगे, ज़्यादा केयर कर सकेंगे ईजिली। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।